आदाब साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी सीबीएसई। इसकी छठी जमात के लिए अपनी जबान और उर्दू गुलदस्ता। तो इसके अंदर आपको जो है किताब के अंदर नज्म वगैरह भी पढ़ेंगे और साथ में जो है इसके अल्फाज मानी और सवाल जवाब भी करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मिट्टी का दिया अल्ताफ हुसैन हाली की है, लिखी हुई है। छुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरेहरा लाके रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाए, राह से आसा गुजर जाए हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। घर निकल के एक जरा महलों से बाहर देखिए, हे अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। सुरखरु आफाक में वो रहनुमा मीनार है, रोशनी से जिनके मल्लाहों का बेड़ा पार है। अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई है और छठी जमात के लिए। इसके अंदर ये बताया गया, एक बूढ़ी औरत ने जो है शाम के सूरज डूबने के वक्त एक दिया जो है राहगीरों के लिए रास्ते में रख दिया, ताकि किसी को ठोकर वगैरह ना लगे। और ये उनसे बेहतर है जो झाड़ फानूस लगा रखे हैं उन्होंने, उनसे लाखों गुना ये बेहतर है, क्योंकि वो रोशनी राहगीरों के काम तो आती नहीं, सिर्फ महलों के अंदर ही रहती है। इसके बाद इसके ये अल्फाजमानी भी है। अल्फाजमानी, छुटपुटे के वक्त सूरज डूबने के वक्त शाम, सरेरा रास्ते में, राहगीर रास्ता चलने वाला मुसाफिर राही, परदेसी दूसरी जगह का रहने वाला, झाड़ शीशे का बना हुआ एक किस्म का शमशदान, फानूस चिराग की हिफाजत करने वाला शीशा चिमनी, रहनुमा मीनार वह रोशन मीनार जो समुद्र में जहाजों और कश्तियों को रास्ता दिखाने में मदद करता है, सदा हमेशा सुरखरु कामयाब आफाक उफक की जमा दुनिया कायनात, मल्ला कश्ती चलाने वाला, बेड़े जहाज और कश्तियों का काफिला, बेड़ा पार होना, मंजिल पहुंचना, कामयाब होना। इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये अशआर की तशरीह है, ये अशआर की सारी तशरीह जो मैंने समझाया उसी तरह ये अशआर की तशरीह है, ठीक है। नज्म का खुलासा है, नज्म का खुलासा आप देख सकते हैं। नज्म मिट्टी का दिया अल्ताफ हुसैन हाजी, इन्होंने बताया कि एक बूढ़ी औरत शाम का वक्त शुरू होते ही एक चिराग जलाकर रास्ते पर रख दिया, उसका मकसद अंधेरे की वजह से मुसाफिर चलने वालों को कहीं ठोकर ना लगे और बच्चे बूढ़े बात सब आसानी से देख, सारी बात ठीक है। इसके बाद नज्म का मरकजी ख्याल भी आ गया। अब इसके बाद है सवाल जवाब। बुढ़िया ने मिट्टी का दिया किस वक्त रोशन किया? इसका जवाब है, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया सूरज डूबने के वक्त रोशन किया। दूसरा सवाल है, रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का क्या मकसद था? रास्ते में मिट्टी का दिया रोशन करने का मकसद ये था कि राहगीर और मुसाफिरों को ठोकर ना लगे और हर एक छोटा बड़ा वहां से आसानी से गुजर जाए। सवाल नंबर 3 है, मिट्टी का दिया झाड़ और फानूस से बेहतर क्यों है? मिट्टी का दिया झाड़ और फानूस से इसलिए बेहतर है क्योंकि मिट्टी के दिए की रोशनी आम लोगों को फायदा पहुंचाती है, जबकि झाड़ और फानूस की रोशनी महलों के अंदर ही महदूद रहती है। महलों के बाहर अंधेरा होने से शायरी का शायर का क्या मुराद है? इससे शायर का मुराद है कि महलों के झाड़ फानूस की रोशनी महलों से बाहर नहीं आती, इसलिए महलों के बाहर अंधेरा छाया रहता है। अब इसके बाद 5वां है, रात में मल्लाहों को रास्ता दिखाने में कौन सी चीज मदद करती है? रात में मल्लाहों को रास्ता दिखाने में रहनुमा मीनार लाइट हाउस मदद करती है। दूसरों की भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं? दूसरों की भलाई के लिए हम भूले भटकों को रास्ता बता सकते हैं। आम इंसानियत के भले के लिए हम काम करना चाहिए, जैसे गरीबों की मदद, बीमारों की तीमारदारी, नाबीनाओं को रास्ता दिखाना वगैरह। अब इसके नीचे अल्फाज हैं, मुतजाद अल्फाज यानी अपोजिट, आसान मुश्किल, रोशनी अंधेरा, अंधेरा रोशनी, बेहतर बदतर, महल झोपड़ी। इसके बाद मिसरे पूरे करने के लिए आपको दे रखे हैं, ठीक है, मिसरे खाली जगह होंगे आप इसमें से देख के भर सकते हैं। इमला दुरुस्त करने के लिए, बुढ़िया कैसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है।
आसान स्वाद से नहीं आता बल्कि सीन से आता है, फानूस। ठीक है, परदेश, परदेशी, महलो, तो ये वाले सही हैं और ये वाले गलत हैं। ठीक है, इस नज्म का मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए आए तो आप यहाँ से देख के आप लिख सकते हैं। आपने भलाई का कोई काम ज़रूर किया होगा, अपने अल्फाज में लिखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से भी देख सकते हैं और अपने आप भी सोच के लिख सकते हैं। अब इसके बाद है कॉलम अलिफ और कॉलम बा के मिसरों को मिलाकर सही शेर लिखें। अब यहाँ पे ये अलिफ और बा के आगे पीछे हुए हैं जुमले, इनको आपको सही करना है। यहाँ पे देखिए ये सही शेर है और यहाँ पे गलत हुए। तो उम्मीद है कि ये पूरा सबक आपके समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकें। शुक्रिया।